हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 18 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। दिन भर के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, आज सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, SSC बैंक के IBPS PO, क्लर्क UPSC, SSC रेलवे एग्ज़ाम और पुलिस एग्ज़ाम, तो इस वीडियो को देखते रहिए। और मैं डेली ऐसी वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ जो करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं विस्तार से चर्चा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए तो आपको PDF फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और वीडियो के लास्ट में एक करंट अफेयर्स क्विज भी है, उसको भी सॉल्व करके कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में शीर्ष 50 सबसे मूल्यवान ब्रांड में कौन सा बैंक शामिल हुआ। तो दोस्तों, हाल ही में भारत में शीर्ष 50 सबसे मूल्यवान ब्रांड में बंधन बैंक शामिल हुआ। देखिए दोस्तों, बंधन बैंक का जो बाजार पूंजीकरण है लगभग 64,000 करोड़ रुपए था, जो 50वें रैंक का दावा कर रहा था, ठीक है। और दोस्तों, जो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है वो है TCS, ठीक है। जो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी वो है TCS, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फिर HDFC बैंक लिमिटेड। बंधन बैंक ने दोस्तों मार्च में एक सफल प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से रुपये को 375 रुपये प्रति शेयर पर निर्धारित करने के बाद 4,500 करोड़ रुपये जुटाए थे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो बंधन बैंक के MD और CEO हैं वर्तमान में, वो चंद्रशेखर घोष, ठीक है। बंधन बैंक के MD और CEO कौन वर्तमान में, चंद्रशेखर घोष। और इसका मुख्यालय दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। तो हाल ही में भारत में शीर्ष 50 सबसे मूल्यवान ब्रांड में कौन सा बैंक शामिल हुआ, बंधन बैंक। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। दोस्तों, हाल ही में NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, लेफ्टिनेंट जनरल PP मल्होत्रा जी। दोस्तों, NCC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। तो नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल PP मल्होत्रा ने पदभार ग्रहण किया है, जो विश्व में सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन, जो दोस्तों जो NCC है विश्व में सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। और दोस्तों, NCC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SSC रेलवे एग्जाम पूछा जाता है NCC की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में, ठीक है। 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसको जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। NCC का मुख्यालय कहाँ पर, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों, हाल ही में NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, लेफ्टिनेंट जनरल PP मल्होत्रा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक ने 2018-19 में भारत की विकास दर का कितने प्रतिशत अनुमान लगाया। इसका आंसर है दोस्तों 7.3%, ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक ने 2018-19 में भारत की विकास दर का कितने प्रतिशत अनुमान लगाया, 7.3%। तो देखिए दोस्तों, जो 2018-19 के लिए 7.3% का अनुमान लगाया है, लेकिन 2019 और 20 के लिए 7.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो 2017 में विकास दर का 6.7% से बढ़कर 2018 में 7.3 तक पहुंचाने की उम्मीद है। दोस्तों, जो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं जिम योंग किम, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जिम योंग किम। और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है Washington DC अमेरिका में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1945 में, कब हुई थी विश्व बैंक की स्थापना, 1945 में। और इसके जो वर्तमान मेंबर हैं, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान मेंबर टोटल अभी कितने हैं वर्तमान में, 189, ठीक, 189 मेंबर हैं वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कार्य क्या है वर्ल्ड बैंक का, सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए ऋण देकर पूंजी की व्यवस्था करना, इसका कार्य और उद्देश्य, ठीक है। सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए ऋण देकर पूंजी की व्यवस्था करना। तो हाल ही में विश्व बैंक 2018-19 भारत की विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया, 7.3%। अगला प्रश्न दोस्तों, रैड स्टैंड इंडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभा के लिए सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाला शहर कौन सा है। तो रैड स्टैंड इंडिया रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, प्रतिभा के लिए सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाला शहर है वो है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु है। देखिए दोस्तों, लगभग 11 लाख रुपए के कार्य के साथ बेंगलुरु का गार्डन सिटी सबसे अधिक भुगतान करने वाला शहर पाया गया, ठीक है। और लगभग 10 लाख रुपए के साथ दूसरे स्थान पर पुणे रहा, ठीक है दोस्तों। और बेंगलुरु जो है कर्नाटक की कैपिटल है दोस्तों, और कर्नाटक के वर्तमान CM सिद्धारमैया हैं, कर्नाटक के राज्यपाल है दोस्तों वाजुभाई रुदाभाई वाला, ठीक है। तो कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। तो दोस्तों, हाल ही में रेड स्टैंड इंडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभा के लिए सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाला शहर बेंगलुरु है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है तो 17 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। देखिए दोस्तों, जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है, ये इसका जो इस वर्ष का थीम है, विषय है, वो है शेयरिंग नॉलेज मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, ठीक है। शेयरिंग नॉलेज मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो हैं फ्रैंक साबे नेवल, ठीक है, फ्रैंक साबे नेवल। विश्व फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के संस्थापक कौन है? फ्रैंक साबे नेवल। कब शुरू हुआ था? 1989 में, ठीक है, 1989 में। और 17 अप्रैल को उनका जन्मदिन था। जन्मदिन के सम्मान में प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ने मेघालय कम्युनिटी लेट लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों भारत ने मेघालय कम्युनिटी लेट लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ 48 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य जो है मेघालय राज्य में चयनित परिदृश्यों में समुदाय आधारित प्रदेश प्रबंधन को मजबूत करना है। तो परियोजना में तीन घटक हैं: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए ज्ञान और क्षमता को मजबूत करना, समुदाय की अगुवाई वाली योजना और क्रियान्वयन, तथा परियोजना प्रबंधन और प्रशासन, ठीक है। तो दोस्तों मेघालय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है कॉनराड संगमा और राज्यपाल गंगा प्रसाद। दोस्तों 48 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, 2018 के लिए घोषित पुलित्जर के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जर्नलिस्ट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? 2018 के लिए घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जर्नलिज्म का अवार्ड दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया। किसको? न्यूयॉर्क टाइम्स को, ठीक है। और देखिए दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार प्रथम बार प्रदान किया गया था वो 1917 में प्रदान किया गया था। और पुलित्जर पुरस्कार का नाम दोस्तों यूसुफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। यूसुफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो 2018 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों में जो है पत्रकारिता का अवार्ड किसको दिया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स को। तो दोस्तों कल की जो क्विज थी उसका आंसर है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? इसका आंसर है तीसरा, थर्ड नंबर पे। काफ़ी लोगों ने राइट आंसर दिया था और कई लोगों ने गलत भी दिया था, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है तो राइट आंसर दिए थे। तो इसका आंसर है थर्ड। और टोटल कितने मेडल भारत ने इस बार जीते हैं? तो टोटल 66 मेडल जीते थे भारत ने। इसमें से 26 जो थे गोल्ड थे, और 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, ठीक है। और ये कहाँ पे हुए हैं? अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए हैं राष्ट्रमंडल खेल। इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बना चुका हूँ जो कि पूरा कवर है राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड। तो अभी वीडियो की इन स्क्रीन में जो है तो अभी यहाँ पे एक वीडियो दिखेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके दोस्तों। तो आज क्योंकि इसका जो सवाल है वो है, हाल ही में SBI को पीछे छोड़ भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान बैंक कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उन्हीं में से मैं क्वेश्चन उठाया हूं। आपको राइट आंसर देना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। व्यूअर्स बहुत ज़्यादा, लेकिन कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हो। तो मैं इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों, आप लोग तो हमें सपोर्ट कर ही सकते हो, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें। मैं सबके कमेंट रीड करता हूं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और मुझे पता है कि आप लोगों के आंसर पता है, इसलिए राइट आंसर ज़रूर दें। और दोस्तों सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा इसे, ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ, 19 अप्रैल करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।